सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके यूपी टेट का एग्जाम है इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी और इसका एग्जाम क्या, इसका एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज होगा क्या, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी जुड़ेंगे, एग्जाम को कौन कराएगा, पीएनपी कराएगा या फिर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। तो इन सारी चीजों पर यहाँ पर आज हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि इस साल वैकेंसीज आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा की 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से निकलती है। तो ये 80 सीटें बहुत बहुत बड़ी सीटें होती हैं, जो कि किसी भी पार्टी के जीतने का रास्ता साफ कर देती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों 2024 के चुनाव को देखते हुए सबसे पहले यूपी टेट का एग्जाम होगा और यूपी टेट का एग्जाम होने के बाद ही सुपर टेट का एग्जाम होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आने की उम्मीद है। दोस्तों, चूंकि आप सभी लोगों को ये पता है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन अभी तक नहीं हुआ है। गठन अगर नहीं हुआ है तो किस तरीके से जो आप लोग के यूपी टेट का पेपर है वो कैसे हो पाएगा, तो यहाँ पर हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अब तक जो भी यूपी टेट के एग्जाम होते आए हैं उसको कौन कराता आया है, पीएनपी कराता आया है। तो अगर पीएनपी ये एग्जाम करा रहा है तो पीएनपी का आप देख ही रहे हो किस तरीके से हर साल कहीं ना कहीं जो पेपर होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत दे दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। 2021 का आपने यूपी टेट देखा था तो 2021 के यूपी टेट में आपने देखा था किस तरीके से 2017 के पेपर के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं पीएनपी की तरफ से आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी गलतियां कर दी जाती हैं, जिसका जो खामियाजा है वो बच्चे भुगतते हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा करके एक और दो नंबरों के लिए परेशान होते हैं। तो यहाँ पर इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जा रही कि उसी के थ्रू ही यूपी टेट का जो एग्जाम है वो कराया जाए। तो इसका देखते हुए बहुत सारे जो प्रशिक्षु हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि मैम, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, क्या जब वहां से एग्जाम होगा तो क्या कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा? डिफरेंस दोस्तों बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम आपको पता है कि सीबीएसई की तरफ से कराया जाता है और आज तक आपने देखा कि सीटेट के एग्जाम में कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। कभी भी निगेटिव मार्किंग हुई नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत भी कर दिया तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ओवरऑल रिजल्ट पे। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आप लोगों के जब सीटेट में इस तरीके का परिवर्तन नहीं किया गया है तो यूपी टेट में कैसा होगा? तो यूपी टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज, क्या सिलेबस चेंज होगा अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यूपी टेट का एग्जाम कराया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, सिलेबस भी कुछ नहीं चेंज होगा। इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो सिलेबस आपका पुराना है अगर आप लोग कहेंगे तो एक बार फिर से मैं उसको पूरा बता दूंगी सिलेबस को। कुछ भी यहाँ पर नया नहीं जुड़ने वाला है। ऑलरेडी आप लोगों को पता ही कि वही 5 के 5 सब्जेक्ट आप लोगों को देने हैं जो पहले से आप देते हुए चले आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अभी से कंसंट्रेट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे यूपी टेट में, चाहे वो बाल विकास हो, हिंदी हो, गणित हो, आपका पर्यावरण हो, संस्कृत या इंग्लिश हो, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पता है कि ये सबके सब आपके सुपर टेट में भी आएंगे। तो अगर अभी से आप लोग कमर बांध के नहीं चलोगे, अभी से अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर अभी से घटने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अभी आप जाग जाओ, अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो ये इस साल निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की। तो दोस्तों, और आप सभी को पता भी है कि लगातार रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है, हर जिले में कितने पद रिक्त हैं, तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को अगर अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। और आप सभी को पता है कि जो कॉम्पिटिशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाई होता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद ही आप लोग का यूपी टेट का एग्जाम होगा। तो निश्चित रूप से अगले महीने में उम्मीद है कि ये जो पूरे, यानी कि जो आपका फरवरी चल रहा है और मार्च चल रहा है, मार्च तक निश्चित रूप से जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का उसका गठन हो जाए और कहीं ना कहीं अप्रैल मई तक जो आपके यूपी टेट का एग्जाम है वो हो जाए, इसी की उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि बहुत लेट होगा तो कहीं ना कहीं जो सुपर टेट का एग्जाम है उसको भी लेट, उसमें भी लेट होगा। इसीलिए यूपी टेट का जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से सही समय पर कराया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना करके अभी से चलिए, क्योंकि आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और अब आपको यूपी टेट की रेगुलर वीडियोस, हर विषय की क्लास हम चलाने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल से बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी नई वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए। तो दोस्तों, जो एग्जाम फॉर्म है, अगर जो आप लोग का फरवरी है, फरवरी लास्ट तक अगर आप लोग के जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसका गठन हो जाता
आता है तो कहीं ना कहीं मार्च में आवेदन ले लिए जाएंगे और अप्रैल मई में आप देखोगे आपके पेपर हो जाएंगे यूपी टेट के। और यूपी टेट का पेपर होने के बाद फिर एक महीने के बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, एक महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस साल के लास्ट तक सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसीलिए आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करके चलनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में यूपी टेट में कौन कौन सी किताबें पढ़ें, चूंकि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ ये आप सभी लोगों को पता ही है, तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके केवल यूट्यूब से पढ़ के आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी इन पर मैंने वीडियोज बनाई हुई है। तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आप लोग चैनल से बने रहिए और सारे के सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, क्योंकि वीडियोस हम आपके लिए ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिले। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं कि जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तब तक आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है वो सही समय पर नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद यही है कि अगले महीने तक इसका गठन हो जाएगा और अप्रैल मई तक आप लोगों को पेपर देने को मिल जाएगा, ताकि सही समय पर जो सुपर टेट का एग्जाम है वो भी कंडक्ट कराया जा सके। तो दोस्तों आप लोगों को सही जानकारी देना मेरा फर्ज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग भ्रमित करते हैं, तो भ्रमित करने का कोई मकसद नहीं है। आप लोग इतनी मेहनत इतना पूरा वीडियो देखते हैं तो उम्मीद यही रहती है कि आप लोगों को सही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम दें। तो आप लोगों को बस अपनी तैयारी बेहतर करते हुए चलना है और पढ़ते रहना है। वैकेंसी जब भी आएगी आपको, जब आपकी तैयारी रहेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी से तैयारी करते चलिए और सुपर टेट के लिए भी कौन कौन सी किताबें लेनी है ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इन सबकी वीडियोस बना के रखी है। तो सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों चैनल से ऐसे बने रहिए और आपके रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय दोस्तों।